नमस्कार, मैं निर्मल कुमार मिश्रा कक्षा नौवीं के संस्कृत का शेष लेकर के आया हूँ। हम पढ़ा रहे थे स्वर संधि। स्वर संधि में स्वर संधि के जैसा कि पांच भेद होते हैं, इसमें यण और अयादि शेष रह गया था, आज हम उसी को पढ़ा रहे हैं। यण संधि का परिभाषा है इको यणचि, अर्थात इक प्रत्यय के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो यण हो जाता है, अर्थात इक प्रत्यय ई उ री ली के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल हो जाता है। अब हम एक एक उदाहरण करके देखेंगे। एक शब्द है इति जोड़ आकर्ण्य, कहता है ई जोड़ आ। अब ई के बाद अगर भिन्न स्वर आए, इति में ई लगा और ई के बाद भिन्न स्वर आया तो ई के स्थान पर यह हलंत हो जाता है। अब हम पूरा मिला करके देखेंगे ई और ई, इसके बाद में हम आधा त लिखेंगे और य आकार कर्ण्य, यही ई के बाद अगर भिन्न स्वर आए, ई के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो ई के स्थान पर य हो जाता है। इस उदाहरण से समझ में आ गया कि ई के बाद यहाँ आ भिन्न स्वर आया तो ई के स्थान पर य हलंत हो गया और कुल मिलाकर के ये शब्द बना इत्याकरणा। दूसरा उदाहरण उसे मधु जोड़ अरि, मधु जोड़ अरि, यहाँ कहता है ऊ के बाद अगर भिन्न स्वर आए, इस मधुअरी में पहले ऊ आया फिर बाद में और वर्ण आया तो ऊ के स्थान पर वह हलंत हो जाता है, अर्थात मधुअरी मधुअरी। ठीक इसी तरह से री का धात्री जोड़ अंश, यहां लिख रहे हैं धात्री जोड़ अंश, री के बाद भिन्न स्वर आ गया, अगर री के बाद री आता तो समान स्वर होता, री के बाद क्या गया भिन्न स्वर आया तो री के स्थान पर र हलंत हो जाता है, अर्थात धा तो में र लगा करके पूरा बनाया त्र और अंश धात्रंश। लरी का पता है कि लरी लरी जोड़ आकृति, लरी के स्थान पर ल हलंत होता है, पूरा वर्ण बनेगा, पूरा शब्द बनेगा लाकृति, ल आकार कृति आकृति। ये था इको यणचि, अर्थात इक प्रत्यय ई उ री ली के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व और री के स्थान पर र और लि के स्थान पर ल हलंत होता है। इन वर्णों को हम यण भी कहते हैं। अगला सूत्र है अयादि संधि। अयादि संधि का परिभाषा एचो अयवायाव, अर्थात ए ऐ ओ औ
के बाद कोई भी स्वर आए तो ए के स्थान पर आए, अ के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर अव और औ के स्थान पर आव हो जाता है। फिर से समझ लें, अयादि संधि सूत्र है एचो अयवायाव। ए अय ओ और औ के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो ए का अय, अय का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। अब एक हम उदाहरण देखेंगे, से जोड़ अनम, से जोड़ अनम, से में ए लगा है और ए के बाद अ, यह भिन्न स्वर हुआ, तो ए और अ मिल करके अय होगा, अय। अर्थात से जोड़ अनम का मतलब हुआ शयनम। जब हम संधि कर दिए से जोड़ अनम का तो हो गया शयनम। यही है, ए के बाद अगर कोई भी नुस्वर आए तो ए के स्थान पर अय होता है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखेंगे हम, गे जोड़ अक, गे जोड़ यहां, यहां ए और ए के बाद भिन्न स्वर आ गया या कोई भी स्वर आया तो ये दोनों मिल करके आय बनेगा। अर्थात गायक, गायक। अब हम ओ से एक उदाहरण देखेंगे, भो जोड़ अनम, ओ के बाद भिन्न स्वर आ गया या फिर कोई स्वर आ जाए तो ओ और अ ये दोनों मिल करके बन गया औ। ये दोनों पद मिल करके बना भवनम। एक और उदाहरण बचा औ, औ का हो गया पौ जोड़ अका। औ के बाद स्वर आया, ये दोनों मिल करके आव बना, आव अर्थात पावक। फिर से एक बार पढ़ लें, अयादि संधि, अयादि संधि का सूत्र है एचो अयवायाव। अर्थात ए अय ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए या फिर कोई स्वर आए तो ए के स्थान पर आए, ए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर और औ के स्थान पर आव हो जाता है। अब यहाँ से जोड़ अनम अर्थात ए जोड़ अ बराबर ए मतलब शयनम, गय जोड़ अक, ए जोड़ अ बराबर आय अर्थात गायक, भो जोड़ अनम, ओ जोड़ अ, अनम अर्थात दोनों मिल करके बना अव यानी भवनम, पौ जोड़ अक, औ जोड़ अ बराबर आव पावक। इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। और नौवीं कक्षा में संधि, स्वर संधि से पूछे जाने वाले सारे सूत्र और उनके परिभाषा उदाहरण से आपको बता दिया गया। अगले क्लास में व्यंजन संधि हम शुरू करेंगे, तब तक के लिए आप लोग घर में रहें और सेफ रहें। धन्यवाद।